मुझे अपने घर बाबा जी बताने तो बताने दो। तो आप पूरा घर में तबाही लाए हो, हर जगह कपड़ा फेंके हो ऐसे। मैं क्या तबाही लाई हूँ, मैं तो सो रही थी। वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। तो हम स्कूल से डायलेक्ट मोहल डाले हैं। तो आप यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, स्कूल वाले ड्रेस में जा रहे हैं? मुझे स्कूल वाले ड्रेस में नहीं डालना है। गाइस, तो हम आए हैं सहारागंज मॉल, जहाँ की हर जगह पे ओपनिंग सून लिखा हुआ है। लगभग सारे जो शॉप हैं, देखो हर जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, कुछ भी पूरा बंद है। अभी हम लोग 1 बजे आए हैं, 1 बजे आए हैं। कुछ कुछ शॉप खुला हुआ है, बाकी देखो ये वाला एरिया पूरा बंद है, ये वाला एरिया उस एरिया में पूरा बंद है। वो हम जा रहे हैं वापस सहारागंज मॉल से, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा कंजस्टेड जैसा लग रहा था और बाकी सारे शॉप भी बंद थे। इस वजह से बेबू को कुछ जैसे कुछ खिला नहीं सकते थे, बेबू को कुछ मतलब खिलौने वगैरह जगह के पे, जैसे गेम वगैरह के जगह पे वो दिखा नहीं सकते थे। तो हम जा रहे हैं वापस लुलू मॉल, क्योंकि लुलू मॉल 600 मीटर मॉल है बेबू के लिए। नहीं बना हुआ है वो, देखो सामने, वो सामने जो प्लस का साइन बना है ना, वो चर्च है। अब दिख नहीं रहा है, आप देखो तो वो सीमेंटेड कलर का जो प्लस नहीं बना हुआ है वो ऊपर सामने देखो ना, आपको अभी भी दिखा कि नहीं दिखा? आप देख ही नहीं रहे हो, देखो इधर इधर फेस करो, ये उधर देखो, उधर उस तरफ सामने दिखा प्लस का साइन, क्लाउड के सामने देखो, क्लाउड के बीचों बीच दिखा। तो गाइस, सहारागंज मॉल के जस्ट पास में ही था ये स्कूल, और इस स्कूल में छुट्टियां होने के वजह से काफ़ी जाम लगा हुआ था। लगभग आधा घंटा हम लोग जाम में फंसे रहे, उसके बाद हम लोग निकले थे लुलू मॉल के लिए। इतना तो हाथ ही नहीं है तुम्हारा, कैसे करोगे? ये दबाओ, तुम्हारा छोटू है ना बेटा, ये दबाओ और निकल गया। गाइस, तो हम फिर से उस सेक्शन में आ गए जहाँ पे बेबू को वाटर मिलन कीवी ये सारा कुछ लेना है। बट अभी बेबू के डैडा ने कहा है कि आज जो है हम खा लेते हैं थोड़ा ये पेस्ट्री वगैरह। बेबू अभी डिसाइड करने में लगी है, पिछले 15-20 मिनट से लगी है, बट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि उसको क्या लेना है। गाइस, तो हम मॉल से वापस आ गए हैं और बेबू जो है अपने लिए कुछ टॉयज भी खरीद कर लेके आई है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ उन टॉयज के लिए बेबू ने घर बनाया है और खुद भी उस घर में रहती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो कैसे घर बनाई है। क्या मिला कर अच्छे से ठीक से कर लोगी? हाँ, अपना टॉयज लियो वो दिखाओ, अपना जो टॉयज आपने लिया वो दिखाई, वो पेंगुइन वाला मैं नहीं दिखाऊंगी, ले लोगे तो? नहीं लूंगी। उन दोनों को एक साथ क्यों सुलाया? क्योंकि वो प्यार करती है। किससे? अपने आप से और दोनों से।
तो आप बाहर हो, आप क्यों नहीं हो वहाँ पे? अरे मैं इसके अंदर हूँ ना। आपने पूरा ब्लैंकेट और ये सारा निकाल दिया, चादर वगैरह, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी सी लगा के सोना है, ऐसे बेड मिल गए। और आपने मेरा काम बढ़ा दिया ना। कैसे? 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 आपने पूरा ब्लैंकेट नीचे निकाल दिया, चादर निकाल दिया। पहले ये लगाओ, लगाओ, लगाओ ये। तो रहने दो ना, उस तरह से ऊपर लगाओ। रहने दो, कितना अच्छा तो घर लग रहा है। नहीं नहीं, अच्छा घर नहीं लगेगा इसमें। यहाँ पे करो, यहाँ पे भी दो बेल, यहाँ पे भी। हाँ, ये भी फिक्स करना है। ये फिक्स नहीं होगा। कैसे कैसे होगा फिक्स? इसमें हमारे पास क्लिप नहीं है ना। क्लिप? हाँ, दादा तो किए है। दादा किए थे? हाँ दादा किए थे। तो वो फिर गिर गया ना। मैं मुझसे गिला, तुम लगा दो। लगा दूंगी, पहले आप अपने पूरे वो पेंगुइन वाले टॉयज को दिखाओ। तब मैंने दिखा लिया, दिख गया। कैमरे को नहीं दिखाया आपने, गाइस को दिखाया कहाँ? हाँ, दिखा दो गाइस को कि आप बताओ, गाइस मैंने ये लिया है। गाइस मैंने ये दोनों लिया है। उसके बारे में उसको अच्छे से तो दिखाओ, गाइस को कुछ दिख नहीं रहा है। तो बनाने दो। तो आप पूरा घर में तबाही लाए हो, हर जगह कपड़ा फेंके हो ऐसे। मैं क्या तबाही लाई हूँ, मैं तो सो रही थी। आप सो रहे थे, पूरा घर में कपड़ा फैला करके पूरा अलमीरा का कपड़ा निकाल दियो, ये सारा बेडशीट ब्लैंकेट क्यों निकाले? हम इसको ठंडी में ओढ़ते हैं ना। अब तुम तबाही लगेगी तुम्हारे, तुमने भी लगाई क्यों टोला? आप दूसरे जगह घर बना लो, यहाँ पे मत। नहीं, मैं अभी इधर ही बनाऊंगी। इधर घर बनाओगी? हाँ। मैं बना दूं दूसरी जगह घर? तुम बना दो। बना दूं? हाँ ठीक है, देख लूंगी तुमको। अगर बनाओ अपने तोलोगी तो ये लो, तुमको आराम नहीं दूंगी। आराम मुझे नहीं दोगी? नहीं। तो ऐसे भी आपने आराम मेरा छीन लिया है, कहाँ देती हूँ आराम? गाइस तो यहाँ का तामझाम ख़त्म करके अभी यहाँ पे लगाई हूँ, मुझसे बनवाई है ये रो रो के। कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? लिखो ना तो 2424। देबू दे चाहिए? एक्टिंग कर रही हो क्या? नहीं, सीरियस हूँ, सीरियस हूँ एकदम। तो सीरियस में हैप्पी होगा? नहीं हैप्पी होंगी। लिखो 2424। 2424 लिखो। सीरियस में हैप्पी होगा? देखो मेरे आईब्रोज को लग रहा है कि मैं हैप्पी हो सकती हूँ। नहीं होंगे हैप्पी, पहले 2424 लिखो। हाँ? क्या करूँ? ऐसे करो। चलो लिखो 2424। कल क्या कह रही थी कि तुम्हारा आईब्रो नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि मैंने सोचा
अगर तुमका आईब्रो नहीं होता तो नहीं घुस सकती। इसलिए नहीं होता होना चाहिए था। हाँ। मैं अगर नहीं भी होता तब भी मैं गुस्सा करती तो। मुझे पता है आग फिर नहीं लाता तब दिखाई नहीं कुछ देता। तो ये ना, बट अगर मेरे पास आईब्रो हो नहीं भी होते तब भी मैं आप पे गुस्सा करती तो। ऐसे मैं भी गुस्सा करता होगी। ऐसे मैं भी गुस्सा करता होगी। मैंने ऐसी लड़की नहीं देखा था। नहीं देखा था? नहीं। अब देख लो, ये हूँ मैं। मैं आईब्रो हटा के आ जाऊँ? हाँ हाँ। चलो लिखो 2626। कट कर दो अपना आईब्रो। क्या कर दूँ? कट कर दो अपना आईब्रो। देखो 2929। अरे तुमके गले में बोलो मत, तुमके गले में खलखला लाए कुछ। अच्छा अच्छा लिख लो। मैंने 2929 बोला था, आपने 2828 लिख दिया। क्या करूं? ये वाला भी बुक पढ़ लो थोड़ा, ठीक है? इस वाले बुक में मंथ्स और डेज पढ़ लो, उसके बाद ठीक। मंथ्स और डेज नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि हम पढ़ डालते। थोड़ी देर पढ़ लो, उसके बाद चलेंगे। थोड़ी देर बस बैठो ना थोड़ा देर। अच्छा कोई बात नहीं है, माइसेल्फ के बारे में पढ़ लो। तो फ्रूट्स के बारे में पढ़ लो। फ्रूट्स नहीं। वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स ठीक है। क्या दिक्कत है? बैठो बस अभी रेस पार्क से आएगी तब। क्यों? क्योंकि ये अच्छी बात है। तो पार्क जाओगे? ठीक है बुक्स रखो। गाइस तो बेबू को बस आदत लगाने की देर है, और एक दिन लेके जाओ पार्क, हर दिन उसको पार्क लेके जाओ, जाना पड़ रहा है। पिछले 2 घंटे से परेशान कर दिया। मेरा एडिटिंग बाकी था, वो करने में लग गई थी, घर के कुछ काम थे वो करने में लग गई थी, बट उस 2 घंटे में न जाने कितनी बार बोला पार्क पार्क पार्क। पढ़ाई ख़त्म कराने से ले करके अभी तक, बट अब जा रही हूँ। और देखो कैसे रेडी हुई है। चलो लिफ्ट में किसी ने सब्जी रखा है। किसने? कौन सब्जी रख सकता है? पता नहीं। चलो चलो गाइस, तो पार्क आने के बाद बेबू जो है अपने दोस्तों के साथ लग गई है खेलने में। और ये वाला जो एरिया मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था, पूरा ग्रास जो है वो छिल लिया गया इस एरिया में, और अभी इस एरिया में पूरा ग्रास निकाल रहे हैं और ये यूज़ करेंगे चारे के रूप में। इस घास को हम लोग दुब्भी के नाम से जानते हैं, धुरवा बोलते हैं ना, धुरवा या दुब्भी ऐसा। तो ये लोग चारे में यूज़ करने वाले हैं। सारे लोग अपना बोरा ले आए हैं, उसमें मतलब कैरी बैग, हम लोग उसे बोरा भी बोलते हैं, उसमें भर रहे हैं। गाइस तो पार्क में थोड़े ही देर खेलने के बाद बेबू को लग गया प्यास, और हम पानी लेकर आए नहीं थे क्योंकि मम्मा तुम पानी लेकर आए थे। चलो
क्योंकि घर पास में ही है, तो जब भी बेबू को प्यास लगता है घर लेके चले जाते हैं तुरंत, और वो एक तरीका भी है जल्दी घर ले जाने का। तो आज थोड़ा जल्दी लग गया, हर दिन थोड़ा लेट लगता था। तो हम जा रहे हैं वापस। नहीं वापस नहीं, नहीं वापस पानी लेके आना है, ठीक है? फिर शाम हो जाएगा तो कैसे आएंगे? शाम नहीं होएगा। हो जाएगा तो? नहीं नहीं नहीं। गाइस तो अभी बज रहा है 7:30 शाम का, और अभी मैं लगी हूँ पूरा घर को क्लीन करने में, क्योंकि बेबू जो है कपड़े, बेडशीट, ब्लैंकेट सब कुछ निकाल करके फेंक देती है। तो अभी मैं हर एरिया को, जैसे अभी हॉल वाले एरिया को, रूम वाले एरिया को, अभी ये देखो ये सारा, ये देखो बेड पे भी कपड़ा पड़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों से खेलती है, उसकी उसको जिसमें अच्छा लगता है। अभी जैसे खिलौने से खेलते खेलते उसका मन नहीं लगा, तो जाके कवर में ऐसे चीज़ें कपड़े चेंज करेगी, ड्रेस चेंज करते रहती है। तो जब टाइम मिलता है, हाँ बेटा, हाँ बेटा देखो आ गई। तुम अपनी माथा में लगा लो। माथा में लगा? हाँ मैं तुमको लगा लेती हूँ। ओके लुको अभी आती हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं देखने जा रही हूँ टीवी। हाँ तो ये टीवी देख रही थी, और देखते देखते देखो बीच बीच में देखने आ जाती कि मम्मी, मम्मा जो है क्या समेट करके रख दी है, ताकि फिर से फैलाने का होगा। किसी किसी दिन ऐसे छोड़ देती हूँ, नहीं करती हूँ कुछ भी, मन नहीं रहता तो, और किसी किसी दिन पूरा ठीक करती हूँ। कभी कभी तो 3 दिन ऐसी ही चीज़ें पड़ी रहती है, उसी में वो डेली खेलती, फिर दूसरा खेला, फिर वो खेल, फिर वो खेल, ऐसे करती रहती है, और कभी कभी पूरा क्लीन करती है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।